हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर गुड न्यूज यहाँ पर निकल के आई है। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि कमेंट बॉक्स में मेरे पास में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर रीचेकिंग, जैसे कि रिजल्ट तो आ गया है BSTC सेकेंड ईयर वालों का, लेकिन यहाँ पर अगर हम रीचेकिंग लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से रीचेकिंग लगा सकते हैं और कब से कब तक लगा सकते हैं, उसकी क्या तारीख आई है, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको किस तरीके से पता करना है कब यहाँ पर किस तारीख से किस तारीख के लिए उसके अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन यहाँ पर शो कर रहा है वो आपके यहाँ पर देख सकते हो 31/5/2021 यानी आज ही यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर आपकी तारीख यहाँ पर दे दी गई है। आप यहाँ पर रीचेकिंग का फॉर्म 8 जून 2021 से 7 जुलाई 2021 तक लगा सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो 8 जून 2021 से 7 जुलाई 2021 तक आवेदन कर सकते हो आप इसके लिए। इसके साथ साथ में आपको कितना यहाँ पर अमाउंट लगेगा उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 75 रुपये का यहाँ पर आपको पर विषय आपको यहाँ पर लगेगा चार्ज। तो आपको यहाँ पर 75 रुपये यहाँ पर चार्ज के साथ में आपको यहाँ पर ये काम कर सकते हो, दोबारा से रीचेकिंग करवा सकते हो। तो गाइस, आप यहाँ पर बता दूँ पर सब्जेक्ट आपको 75 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके साथ में आप यहाँ पर 8 जून से आपको 7 जुलाई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हो इसके लिए। इसके साथ साथ में आपको गाइस, मैंने अभी वीडियो बना दिया था लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ कि नीचे आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो द्वितीय वर्ष के जो छात्र जिनका परीक्षा परिणाम रोका गया था या किसी कारणवश प्रदर्शित नहीं हो रहा, उनका परिणाम शीघ्र ही घोषित कर दिया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार से आपका रोका गया था, आपकी कुछ गलती हो सकती है, रोल नंबर गलती हो सकती है, नामांकन गलती हो सकती है, नाम में गलती हो सकती है, लेकिन आपने किसी भी गलती के थ्रू यहाँ पर हो गया था, लेकिन आप अगर अभी यहाँ पर आपका परिणाम यहाँ पर नहीं आया तो गाइस आपका आ जाएगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत करने वाली नहीं है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर दिया हुआ है नोटिस में आपको जूम आउट करके आपको यहाँ पर बताता हूँ, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को आपको मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हो। इसके साथ में अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता भी देता हूँ क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा द्वितीय वर्ष 2020 का परिणाम पर कार्यालय द्वारा 28 को जारी किया जा चुका था। उक्त परिणाम परीक्षा परिणाम पश्चात इच्छुक छात्रा अध्यापक अनुमोदन के लिए शाला दर्पण पोर्टल अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से, यानी आपको कहाँ से आपको यहाँ पर रीचेकिंग का फॉर्म लगाना है तो क्या करना होगा, शाला दर्पण की वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, आपके अपने यहाँ पर पासवर्ड और यूजर नेम आपको वहाँ पर लॉगिन आईडी आपको लॉगिन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर उसके लिए आवेदन कर देना होगा। आपके पर सब्जेक्ट आपको 75 रुपये लगेंगे। इसके साथ साथ में और क्या चीज़ है उसके लिए भी आपको बता देता हूँ कि आपका यहाँ पर क्या करना होगा। एक दो चीज़ें और भी है, आपका किसी भी नाम में या फिर किसी भी चीज़ में आपकी अगर गलती पाई गई है या सेकंड ईयर में रिजल्ट में किसी भी कारणवश एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय आपकी कुछ गलती हो गई थी, तो गाइस उसको भी आप चेंज कर सकते हो। उसको भी आप चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखना होगा और आपको शाला दर्पण की मेन वेबसाइट में जाना होगा और उस पर जाके वहाँ पर लॉगिन करके आप जिन चीज़ों में अपडेट करना चाहते हो, जिनको सुधार करना चाहते हो, उसे अपडेट कर सकते हो। आपकी अपडेट हो जाएगी और आपका वहाँ पर शीघ्र ही आपको यहाँ पर अपडेट करवा देंगे। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर बोला है कि आपको क्या यहाँ पर बोला वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर इसके अलावा यदि किसी छात्र अध्यापक के नाम, पिता नाम, माता का नाम इत्यादि में कोई भी वर्तनी त्रुटि है तो पूर्व की बात ही दिनांक 15/6/2021 तक अपने लॉगिन आईडी व पासवर्ड के जरिए संबंधित दस्तावेज को अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। यथासंभव संस्था द्वारा इन सभी प्रकरणों को भी ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। पूर्व में सुधार हेतु जिन्होंने आवेदन कर दिया है और संस्था द्वारा सत्यापन कर कार्यालय हजार द्वारा अग्रणित कर दिया गया, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बता दिया गया है कि आपको यहाँ पर अगर पहले आपने इसके लिए आवेदन कर चुके हो, आपने त्रुटि के लिए आपको सही दस्तावेज अपलोड करके आपने पहले आवेदन कर चुके हैं तो दोस्तों अभी आपको करने की दिक्कत नहीं है। अगर आपने नहीं किया है तो दोस्तों आपको लॉगिन करके आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उसके बाद में आप संशोधन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।